हाय जानू, ऑफिस से अभी निकला हूँ। टैक्सी मिलते ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आज तुमने डिनर में क्या बनाया है? वाओ चिकन, वो तो मेरा फेवरेट है। बोरिंग बीवी का बोरिंग खाना खा के थक गया हूँ मैं। अरे जब उसकी फिक्र मुझे नहीं पड़ी तो तुम्हें क्या करना है? अरे एक मिनट, टैक्सी। आप सही थे। अजीब मुसीबत है। गगन मारवा, रेड फोर्ट बैंक CEO, 1 जनवरी 2013। आपको क्या लगता है साहब? अभी तक तो सुसाइड लगती है। लास्ट कॉल डॉक। पता नहीं लोगों को जीने में परेशानी क्या है। हाय, थैंक यू नीरा, थैंक यू सो मच। हाँ, अब श्रेया, श्री, पूजा सब ने विश किया। अरे बाबा, जानती हूँ आज मेरा बर्थडे है, लेकिन अब ये एयरलाइन वाले मेरा बर्थडे थोड़ी ना मनाएंगे, तो फिर हम लोग शाम को मिलते हैं। ओके, बाय। हेलो, आप अब सही थे सर। नई मुसीबत, लेकिन ये बॉटल तो बिल्कुल वैसी है जो हमें मारवा की बॉडी के पास मिली। 2 दिन में 2 सुसाइड और बॉटल तो सेम है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये नई मुसीबत क्या है। मोबाइल चेक करो। एक जनवरी 2013 साहब, इसमें जो लास्ट नंबर डायल है वो डॉग का है। वही बॉटल, वही नोट और लास्ट डायल डॉग। आखिर होने क्या वाला है 1 जनवरी को? नया साल है साहब। बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है तुम्हारी। और अगर नया साल है भी तो जो दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते के पास सेम बॉटल, सेम नोट। डॉक्टर को फोन, ये पकड़ो जरा। हेलो,
विला हिल। आ रहा हूं मैं। एक और नई मुसीबत। सर, हाफ इंच से मिस हो गया। हाफ इंच हो या हाफ मीटर हो, मिस इज बाय अ माइल वरुण। शी, ये सीलिंग कितना गंदा हो गया है। साफ करने के वास्ते तो घोड़ा लाना पड़ेगा केडी। घोड़ा? आपको सीलिंग साफ करने के लिए घोड़ा चाहिए? आप क्या मॉडर्न डे झांसी की रानी हो? केडी, प्लीज एक्सप्लेन टू हिम कि घोड़ा क्या होता है। घोड़ा मतलब सीढ़ी। यहाँ मुंबई में सीढ़ी को घोड़ा बोलते हैं, उसको भी घोड़ा बोलते हैं। तो फिर सर, जानवर वाले घोड़े को क्या कहते हैं? मुंबई की भाषा थोड़ी ऐसी है। मैं जब नया नया मुंबई आया था तो सुनता था लोग कह रहे हैं कंटाल आ रहा है, कंटाल आ रहा है। मैं वर्षों तक सोचता रहा ये कौन है महाशय कंटाल जो आ रहे हैं लेकिन प्रकट ही नहीं होते। बाद में पता चला कि बोरियत होना, आलस होना, इसको कंटाल बोलते हैं। ऐसा ही है। अजीब मुसीबत है। कोई जॉगिंग के कपड़े पहनकर यहां सुनसान जगह आकर क्यों मरेगा? चेक करो। जनवरी 2013। राठौर साहब, वही बॉटल, सेम नोट। मोबाइल चेक करो, कहीं इसने भी मरने से पहले लास्ट कॉल डॉक। डॉक ऐसे अतरेंगे केस आज तक हमने कभी देखा नहीं। साहब, पहले तो ये सुसाइड लग रही थी, लेकिन सीरियल सुसाइड्स क्या होने वाला है 1 जनवरी 2013 को? अजीब मुसीबत है यार। इन दिनों में शहर के 3 अलग अलग हिस्सों में एक ही तरह से 3 लोगों की आत्महत्या, विचित्र बात है। तो न्यू ईयर के लिए क्या प्लान्स है? मैं शेफाली को अपने दोस्त की पार्टी में ले जा रहा हूँ। और आप? मैं द यूजुअल, हस्बैंड, घर और हमारे 3 बेबीज। मैम, यू हैव 3 किड्स? Yes, I have 3 doggies. KD sir, what are your new year plans? अरे KD के लिए क्या new year और क्या old year? आखा बरस खाली काम and case, case and काम। हाँ, हर साल सोचता हूँ कि मैं भी छुट्टी ले लूँ new year के समय, कहीं जाऊँ, लेकिन समस्या ये है कि जाऊँ तो किसके साथ जाऊँ? Hello, जी, डॉक्टर मेघनाथ सूर्यवंशी। हाँ, उन्हीं की खबर पढ़ रहा था समाचार पत्र में। क्या हुआ? अच्छा, ठीक, मिल लेता हूँ। थैंक यू। लो, हो गया केडी का न्यू ईयर पार्टी अदालत में। क्या हुआ सर, एक नया केस? हाँ, मनोचिकित्सक का केस है। हिंदी में बोले तो मनो मतलब दिल। साइकियाट्रिस्ट मिसेस बिलमोरिया। ये जो 3 आत्महत्याएं हुई हैं, इनका आरोप उन पर है डॉक्टर मेघनाथ सूर्यवंशी। पर सर, सुसाइड का इल्जाम, सुसाइड तो आदमी खुद करता है, उसका इल्जाम किसी और पर, मैं कुछ समझा नहीं। विचित्र बात है, मिलकर ही पता लगेगा कि माजरा क्या है। मिस्टर पाठक, आई एम सो हैप्पी। आप मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? मैंने आपको अपनी मदद के लिए यहाँ बुलाया था, लेकिन लगता है आपको खुद मदद की जरूरत है। मुझे? आपके माथे पर जो लकीरें हैं उसे पढ़कर, आपकी आंखों में जो दुख है उसे पढ़कर। मिस्टर पाठक, यू सी, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और बाहर से ही देखकर मैं अंदर की गहराई की बातें जान लेता हूँ। मेरा मन फिर कभी पढ़ लेना, क्योंकि इस समय आप अंदर हैं, मैं बाहर हूँ,
आपको अंदर से बाहर ले जाने के लिए आपके अंदर की बाहर की सारी बातें मेरे लिए जानना आवश्यक है। तो अगर आप बताएं मुझे कि ये जो तीन व्यक्तियों ने हाल ही में आत्महत्या की, पुलिस इसे हत्या कह रही है और इसका आरोप आपके सर पर है, ये क्या है, कहानी क्या है इसके पीछे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है मिस्टर पाठक कि ये सब क्या है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको मेरी कहानी शुरुआत से सुननी होगी। समय ही समय है मेरे पास डॉक्टर साहब, सुनाइए। मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट अपने पेशेंट्स की बातें उनकी कहानियां सुनने का आदी हूं, पर क्या करें, आज मेरा केस है तो बोलना भी मुझे ही पड़ेगा। गगन मारवा, रॉकफोर्ड बैंक के सीईओ। संध्या शेट्टी, फ्लाई एयर में सीनियर एयर होस्टेस। मंजीत सिंह सोडी, स्पेयर पार्ट्स, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के सबसे बड़े डीलर। तो कुल मिला के मैं ये समझ पाया हूँ कि इन तीनों व्यक्तियों ने आत्महत्या की और इन तीनों व्यक्तियों को जोड़ने वाली कड़ी आप हैं डॉक्टर साहब। ये तीनों आपके पेशेंट्स थे। प्रिसाइसली, उनकी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट मेरे यहाँ चल रही थी। शायद इसी वजह से पुलिस मुझे उनकी मौत का दोषी ठहरा रही है। उनका मानना है कि उन तीनों की जान मेरी वजह से खोई है। खोने से याद आया, क्या हाल ही में आपने अपने किसी करीबी को खोया है? आपकी आंखों में जो दर्द है उसे देखकर मैं समझ गया कि शायद आपने अपने किसी करीबी को खोया है। कौन है? भाई, बहन, माँ या पिता? फादर, इज दैट रियली सो? बट डोंट वरी, मैं आपकी मदद के लिए। डॉक्टर साहब, जीवन तो संघर्ष है, इस संघर्ष में खोना पाना ये तो चलता रहता है। फिलहाल आपकी आंखें पढ़कर मुझे ये विश्वास हो रहा है कि आप निर्दोष हैं। I'll see you in court. Your Honor, ये केस मेरी समझ के बाहर है। माना कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर सूर्यवंशी ही आत्महत्या करने वाले तीनों व्यक्तियों की मनोचिकित्सा कर रहे थे, किंतु क्या किसी के आधार पर इन्हें हत्यारा ठहराना, इन्हें दंड देना उचित रहेगा? जी नहीं, एक डॉक्टर का काम होता है जान बचाना, जान लेना नहीं। फोरेंसिक्स भी मेरी बात से सहमत है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि तीनों व्यक्ति, मिस्टर गगन मारवा, मिसेस संध्या शेट्टी और मिस्टर मंजीत सिंह सोडी, ये तीनों ने अपनी इच्छा से अपनी जान ली एक जहरीली कैप्सूल खाकर। अब अपनी इच्छा से अपनी जान लेना आत्महत्या कहलाता है, हत्या नहीं। मिस्टर पाठक, इस आत्महत्या से पहले उन तीनों ने डॉक्टर सूर्यवंशी को फोन किया था। योर ऑनर, मेरा सामान्य ज्ञान तो ये कहता है कि अगर किसी मरीज को मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार का भी कष्ट हो तो वो अपने डॉक्टर को ही फोन करता है, और इन तीनों ने डॉक्टर सूर्यवंशी को फोन किया, इसका ये अर्थ निकलता है कि डॉक्टर सूर्यवंशी उस समय कहीं दूर थे, घटनास्थल पर थे नहीं, जिसका ये अर्थ निकलता है कि ये उनकी हत्या कर नहीं सकते थे, जिसका ये अर्थ निकलता है कि इन्होंने हत्या नहीं की। मिस्टर पाठक, मैंने कब कहा कि डॉक्टर सूर्यवंशी वहां मौजूद थे, पर्सनली जाके इन्होंने उनका मर्डर किया है? बिल्कुल नहीं। पर हाँ, मर्डर डॉक्टर सूर्यवंशी ने ही किया है। ये किस आधार पर कह रहे हैं? उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर, अपने मरीजों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी बीमारियों पर वार करके। जानना चाहेंगे कैसे? प्लीज प्लीज समझाइए। श्योर। डॉक्टर सूर्यवंशी, उन तीनों ने मरने से पहले आपको कुछ कहा था, क्या था वो एग्जैक्ट सेंटेंस? जी, उन तीनों ने मुझसे कहा कि आप सही थे। अब सही थे सर। आप सही थे। आप सही थे यानी किस बात को लेकर आप सही थे? जी मुझे पता नहीं, उन्होंने बस सिर्फ इतना ही कहा और फिर फोन काट दिया।
अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि उन तीनों में से कोई भी अपनी जान लेने वाला है तो मैं खुद पुलिस को फोन करता। आप पुलिस को फोन करते या नहीं करते, लेकिन पुलिस आप तक पहुंच जाती। योना, पहचानते हैं आप ये लेटर है जो खूबसूरत फूलों के निशान वाला जिसपे बहुत खूबसूरत प्रिंट है, ये आपके क्लिनिक का है? जी हाँ, लेकिन ये मैंने नहीं बनाया। ओ, जाहिर सी बात है आपने नहीं बनाया होगा। मान लेते हैं 1 जनवरी 2013 क्या होगा इस दिन, क्या होने वाला है? जी, जो मैंने नहीं बनाया तो मुझे क्या पता कि... अब अवत्रमाणी जी, चलिए मान लेते हैं कि ये पर्चा, ये चिट्ठी जो कि किसी भी स्टेशनरी की दुकान से प्राप्त की जा सकती है, इस क्षण के लिए मान लेते हैं कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक की है। कृपया बताइए कि इस पर्चे से कैसे प्रमाणित होता है कि डॉक्टर साहब हत्यारे हैं? गुड क्वेश्चन मिस्टर पाठक। उसके लिए तो डॉक्टर साहब से डिस्कस करना पड़ेगा उन तीनों मरीजों के केसेस के बारे में। फोन करके वो डॉक्टर साहब के पास क्यों आना चाहते थे, क्या वजह रही हो? As I said, I'm sorry. मैं अपने पेशेंट्स के केस यूं पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकता। आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये अब साइकेट्रिक केस नहीं है, ये मर्डर केस है और मर्डर केस प्राइवेट नहीं होता है, पब्लिक मैटर है। वो तीनों मेरे पास एक ही कारण से आए, गिल्ट, पश्चाताप, उनके जिंदगी के एक अपराध का गहरा अफसोस। मैं अपनी बीवी को धोखा दे रहा हूँ डॉक्टर, मेरा अफेयर अपनी सेक्रेटरी के साथ है। बोरिंग बीवी का बोरिंग खाना खा के थक गया हूँ मैं। अरे जब उसकी फिकर मुझे नहीं पड़ी तो तुम्हें क्या करना है? और इस बात का गिल्ट है आपको? जी हाँ, पर अब मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, कुछ करना ही होगा। मैं 2 साल से शादीशुदा हूँ और 3 महीने पहले मैंने अपने हस्बैंड को बिना बताए अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की थी। इसकी वजह? अगर उस वक्त मुझे बच्चा होता तो मेरी जॉब पर उसका इफेक्ट पड़ सकता था और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अपना करियर और अपनी आज़ादी खो दूँ। बस इसीलिए मैंने, पर अब आई हेट myself। मिसेस शेट्टी, यकीनन आप अपने किए पर शर्मिंदा हैं। मैं क्या करूं डॉक्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती तो आपसे हुई है मिस्टर सोदी। एक ऐसी गलती जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है डॉक्टर साहब। 20 सालों के मेरे बिजनेस पार्टनर को मैंने धोखा दिया, उसके मरने के बाद उसका पूरा हिस्सा हत्या लिया फ्रॉड करके, उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आप उनके परिवार को उनका हिस्सा दे सकते हैं। इट्स टू लेट नाउ डॉक्टर, मेरे फैमिली वाले ऐसा नहीं करने देंगे। मुझे अपने पाप के बोझ को अब जिंदगी भर ढोना पड़ेगा कि मेरी वजह से मेरे भाई जैसे पार्टनर का परिवार मैंने तबाह कर दिया। ये थी उन तीनों की जिंदगी की कहानी। उन तीनों का पश्चाताप डॉक्टर साहब। अवतवाणी जी, जिस पश्चाताप के चलते डॉक्टर साहब ने उनकी सहायता करने का प्रयास किया, अब सॉरी क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन तीनों रोगी की मृत्यु में डॉक्टर साहब का क्या योगदान था। योगदान देखना है आपको? श्योर, व्हाई नॉट। ये कैप्सूल्स पहचान रहे हैं आप, आपके क्लिनिक से मिले हैं। जी, ये वही एंटी डिप्रेसेंट्स जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ उनकी मानसिक स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए। यही कैप्सूल आपने उस दिन अपने उन तीनों मरीजों को दिए, बल इसमें से दवाई निकाल और जहर भर दिया। योर ऑनर, पेशेंट हमेशा अपने डॉक्टर को भगवान समझता है, उसी भरोसे वो जो दवाई देता है उसे खाता है। उसी दिन भी यही हुआ, उन पेशेंट्स ने, तीनों ने इन कैप्सूल्स को खाया और वो मर गए।
कह दिया और हो गया, ये होता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। आप कह रहे हैं कि जो दवा डॉक्टर सूर्यवंशी ने अपने तीन रोगी को दी थी उनमें जहर था, इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा आपको अदालत में, कर सकते हैं? क्यों नहीं मिस्टर पाठक, ये प्रमाण नंबर 2, इसे पहचानते हैं? ये वही जहर की शीशी है जो आपके क्लिनिक से मिली है। हाँ योर ऑनर, ये वही जहर है जो उन तीनों की डेड बॉडीज में पाया गया है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्यों मिस्टर पाठक, मर्डर के साथ साथ हथियार भी मिल गया, क्या कहेंगे आप? योर ऑनर, एक डॉक्टर का व्यवसाय रोगी की चिकित्सा के कारण चलता है। इन तीनों व्यक्तियों के साथ डॉक्टर सूर्यवंशी की कोई जाति दुश्मनी, कोई निजी दुश्मनी थी नहीं। फिर ये इन तीनों को मार कर परसों से स्थापित किया हुआ ये व्यवसाय अपनी प्रतिष्ठा को खंडित क्यों करेंगे? He's right. मैं अपने मरीजों को तो दूर, मैं किसी को क्यों मारूंगा? I'm a doctor, not a killer. Exactly. और अगर आपकी आपकी दलील को मानते हुए मैं ये मान लूं कि तीनों रोगी, तीनों मृत व्यक्ति अपनी रोज की दवा ले रहे थे, तो ऐसे विचित्र स्थान पर जाकर क्यों? मिस्टर मारवा एक अनजान बिल्डिंग की छत पर पाए गए, मिसेस शेट्टी एक बियाबान जंगल में, और मिस्टर सोडी एक अंधेरी गली के अंदर। हो सकता है प्रोसिक्यूटर साहब, हो सकता है कि किसी ने उन्हें वहाँ बुलाया हो और जहर दिया हो, ये भी हो सकता है कि उन्हें जहर दिया गया हो और वहाँ ले जाया गया हो सकता है। और केवल यही एक प्रश्न नहीं है इस केस में अवत्रमाणी जी, अनेक प्रश्न हैं। क्यों तीन लोग, तीन व्यक्ति अचानक आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं? क्यों ऐसे विचित्र स्थान पर जाकर जहर खाते हैं जहाँ पहले वो कभी गए ही नहीं? क्यों मरने से पहले, जहर खाने से पहले वो अपने डॉक्टर को फोन करते और कहते हैं कि आप सही थे, और जो पत्र उनके मृत शरीर पर पाया गया जिस पर 1 जनवरी 2013 लिखा हुआ था, इस पत्र का महत्व क्या है? तेरे मुवक्किल डॉक्टर सूर्यवंशी इतने बेवकूफ हैं कि हत्या करके ये नोट उनके मृत शरीर पर छोड़ेंगे ताकि इनके जरिए पुलिस इन तक पहुँच जाए? योर ऑनर, जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, मेरे मुवक्किल डॉक्टर सूर्यवंशी को हत्यारा नहीं ठहराया जा सकता। आप जिरा बड़ी अच्छी करते हैं कोर्ट में, लड़ते भी बहुत अच्छा हो, अग्रेसिव बट कंपोज, कॉन्फिडेंट, मगर फिर भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत चैरिटेबल हैं, बहुत बड़े दानी हैं, इसीलिए तो बिना मांगे मुफ्त की सलाह दिए जाते हैं मुझे। आज अदालत में आप पर प्रश्न उठने वाला था, मैंने दूसरे प्रश्न पूछ के बात को टाल दी, किंतु वो प्रश्न अब भी मेरे मन में है कि वो जहर की शीशी आपके क्लिनिक में आई कैसे, और क्यों आप ही की दवा खाकर उन तीनों ने आत्महत्या की। आप मुझे अपना मोबाइल फोन देंगे? जी नहीं, नहीं दूंगा, नहीं दे सकता, क्योंकि कारागार में फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मैं अपने लॉयर के सामने कानून नहीं तोड़ना चाहता, बस आपके मोबाइल फोन के कैलकुलेटर में कुछ कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ। देंगे प्लीज? मुझे लगता है कोई मुझे फंसाना चाहता है। सोचने लगूं तो मेरे दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी है, सोच के बताऊंगा। जरा जल्दी बताइएगा, 2 दिन में आपके केस की सुनवाई है। आप अपने पिता को बहुत मिस करते हैं, और ये कैसे जाना आपने एक बार फिर से मेरी आंखों द्वारा मेरे मन को पढ़कर? नहीं, इस बार टेक्नोलॉजी ने मेरी मदद की। जो बात आप मुझे नहीं बताना चाहते, आपकी मोबाइल ने बता दी। आपके मोबाइल फोन के ड्राफ्ट मैसेजेस में मैंने 3 ऐसे मैसेजेस देखे जो आपने अपने पिता के नाम लिखे हैं। आप उनकी खैरियत जानने के लिए मैसेजेस टाइप तो किए हैं, मगर भेजे नहीं, और ना ही डिलीट किए हैं। मतलब उनकी चिंता है आपको, मगर उनसे वो रिश्ता नहीं। उनसे लड़कर आपने काफी नाम और शोहरत कमा लिया, लेकिन चैन नहीं। उगल दो सारा सच, वरना लिखा होगा।
आपके जाने का समय हो गया है। उनकी चिंता है आपको, मगर उनसे वो रिश्ता नहीं। उगल दो सारा सच, वरना हल्का होगा। हाय केडी सर। हाय मिस्टर बिमार। क्या बात है सर, केस को लेकर कुछ सोचा है? नहीं यार, कुछ और ही सोच रहा। ये डॉक्टर सूर्यवंशी भी विचित्र व्यक्ति है। एक बात बताया मिली, मुझे देखकर लगता है कि मैं दुखी हूं, किसी प्रकार का कष्ट है मुझे जीवन में। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप तो बिल्कुल दुखी नहीं लग रहे। मेरे को भी नहीं लगता है। डॉक्टर सूर्यवंशी पता नहीं फिर क्यों। एनीवे सर, क्या कहा उसने? नहीं छोड़ना, कुछ नहीं, चलता हूँ। सर आप थिएटर प्ले देखने जा रहे हैं? हाँ नहीं, जाने वाला था लेकिन सोच रहा हूँ घर जाके जरा आराम कर लूँ, फीलिंग अ लिटिल टायर्ड। चलो आई विल सी यू गाइस टुमारो। कुछ प्रॉब्लम है ना? हाँ पर केस को लेकर नहीं। आई होप सो इज फाइन। किसने फोन किया था? साहब हमने। साहब ये तो कोई बड़े घर की मैडम लग रही, हमें तो लगा ये बेहोश है, मगर ये तो मर चुकी है। फिर वही 1 जनवरी 2013, छी मुसीबत। टाइगर, ये टाइगर कौन है? सामन बैग में देखो जरा कोई आई कार्ड मिलता है क्या? जी सर। एम्बुलेंस को फोन लगाओ। जी सर। पता लगाओ ये टाइगर कौन है। मेरी बहुत पुरानी पेशेंट थी। क्या ये भी? वही बॉटल, वही जहर भरे कैप्सूल और वही नोट। हाँ देखो। और फोन कोई? मिसेस कालरा के बैग से हमें फोन तो कोई नहीं मिला, उसे भी जरूर इसी ने। लेकिन मैं तो यहाँ कह दू, भला मैं उसका खत्म कैसे कर सकता हूँ? लेकिन दवाई तो बहुत पहले दे दी होगी क्यों? और वैसे वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल ही जाएगा कि लाश कितनी पुरानी है। केडी तुम्हारे लिए कल का दिन बहुत भारी गुजरने वाला है। 3 के बदले 4 मर्डर। डॉक्टर सूर्यवंशी, मुझे लगता है कि आपको अपने रोगियों की लिस्ट इंस्पेक्टर राठौड़ को दे देनी चाहिए। कोई है जो आपके इस लिस्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? बताओ ये तुम्हारे पेशेंट्स के नाम और पता। मिस्टर डी पाठक, यही है ना आपके पिता का नाम? क्या करते हैं वो? हेलो। अरे रोको उसे, मैं पहुंच रहा हूं उधर। क्या हुआ राठौड़ साहब? यार ये शहर पागलों से भरा पड़ा है। अब एक और मरीज बैठा है लोखंड वाला ब्रिज पर, वो शीशी लेकर कैप्सूल वाली। इस डॉक्टर ने क्या जादू टोना कर दिया है शहर में। आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए, मैं बता दे रहा हूँ। ए इधर आओ तुम। कुछ मत बोलिए, कूद जाएगा, पीछे से जाइए, मैं समझता हूँ। देखो भाई क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है आपके जीवन में, जरा बताइए तो सही। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। किस बात के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता? देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन करना क्या है ये तो पता चले।
ये बताइए ना, क्यों मरना चाहते हैं? मेरा अब जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। देखो उस्ताद, जब तक जीवन है तो समस्या का हल निकल सकता है। वैसे भी यहाँ से गिरकर मृत्यु तो होगी नहीं, आपकी हाथ पांव टूट जाएंगे, आप अस्पताल में पड़े रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। मेरे जीने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। देखिए, आपको मरना है आप मरिए, मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ, उसके बाद आप जो करना है करिए। वो अकबर और बीरबल की कहानी तो सुनी होगी आपने बचपन में, सुनी थी अकबर और बीरबल? हुआ ये एक दिन कि अकबर अपनी रानी साहिबा से बहुत परेशान थे, तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जा भाई मेरे लिए थोड़ा सा जहर ले आ। तो बीरबल जाकर उनके लिए जहर ले आए। जहर को लेकर अकबर वहाँ ऊपर मीनार पर, महल की मीनार पर जाकर खड़े हो गए। तो बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो आलमपना? तो कह रहे मैं कूदूंगा यहाँ से। तो बीरबल ने पूछा कि जहर कब खाओगे? तो अकबर ने कहा कि पहले मैं जहर खाऊंगा, फिर यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। तो बीरबल ने पूछा कि ये दो काम एक साथ में क्यों कर रहे हैं आप? अगर कूद कर जान देना है तो जहर क्यों व्यर्थ कर रहे हैं आप? भाई सोचो, जब कूद कर जान देना है तो जहर क्यों व्यर्थ करना? बीरबल ने हाथ बढ़ाया और फट से जहर अपने हाथों में खींच लिया। क्या लगता है आपको अकबर ने क्या किया होगा? कूदे होंगे? आप कूदिए, कूदिए ना। Your Honor, वही जहर है। आप अपना परिचय देंगे कृपया? अदालत सर, मेरा नाम उत्कर्ष सिन्हा है, मैं कपड़े का छोटा मोटा व्यापारी हूँ। और कई महीनों से डिप्रेशन के लिए मैं डॉक्टर सूर्यवंशी से मिल रहा हूँ। जी, ये मेरे पेशेंट है। किस बात की मन की ग्लानी थी आपको, किस बात का डिप्रेशन? सर, मेरी मंगेतर डॉली की मौत का। सर, वो मेरी जान थी, पर एक साल पहले उसकी मौत हो गई और तभी से मेरी अकेली जिंदगी नरक बन गई है। आप इस वजह से अपनी जान लेना चाह रहे थे? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी अपनी जान लेने से पहले डॉक्टर सूर्यवंशी को फोन मिला रहे थे? जी, उन्हें खुशखबरी देने के लिए कि वो सही थे। कृपया समझाइए, सही थे अर्थात किस बात के लिए सही थे? सर, डॉक्टर सूर्यवंशी का कहना था कि मैं डॉली को बे इंतहा मोहब्बत करता था और उसके जाने के बाद मेरा उस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं है, मैं एक लाश की तरह रह रहा हूँ और मेरा अंत भी बुरा होगा। देखिए, दरअसल मैं इनके प्रॉब्लम की जड़ तक। सूर्यवंशी, वो अपनी बात पूरी कर रहे हैं, उन्हें बात बोलने दिया जाए। हाँ, एक्सक्यूज मी, बोलिए। सर, डॉक्टर सूर्यवंशी के पास जाने से मेरी तकलीफ कम होने के बजाय और बढ़ गई थी। वो बार बार मुझे मेरे खालीपन का एहसास कराते थे, कहते थे कि मैं अंदर से खोखला हो गया हूँ, इसलिए सर मुझसे रहा नहीं गया और इसलिए मैंने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। मरने से पहले मैं डॉक्टर से यही कहना चाहता था कि वो सही थे, मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं है। यानी कि डॉक्टर सूर्यवंशी ने आपको मरने के लिए उकसाया? पता नहीं सर, पर उकसाया मैंने? लुक, मैं अपने पेशेंट की प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए उनसे सवाल पूछता हूं और कई बार उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। ये हमारे साइंस, हमारी साइकियाट्री के विज्ञान का एक तरीका है और यही मेरा अप्रोच है। डॉक्टर सूर्यवंशी, आई एम नॉट फिनिश्ड यट। जब डॉक्टर साहब ने आपके हाथ में पीला कैप्सूल दिया, क्या कहा? सर, उन्होंने कहा था कि ये लो, ये कैप्सूल तुम्हारे हर दर्द का इलाज है, इसे खाने के बाद तुम्हें तुम्हारी हर तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगी। इसका मतलब डॉक्टर साहब ने आपको मरने के लिए, अपनी जान लेने के लिए उकसाया? जी, मेरी समझ में नहीं आया सर। क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपका ब्रेन जो वॉश कर दिया था, ये कह कहकर कि आपकी जिंदगी किसी काम की नहीं रही, नर्क बन चुकी है, और ये कहते कहते आपके हाथ में मौत की गोली थमा दी। योर ऑनर, मरने वालों को ये पता था कि वो जहर खा रहे हैं। It's a clear-cut case of motivated suicide. Oh my God! अब मेरी समझ में आया। आप सही थे का मतलब क्या है? इन्होंने किस तरह अपने मरीजों के साथ सलूक किया होगा? किस तरह, Your Honor? Mr. Marva, पत्नी आपकी अर्धांगिनी होती है, आपके जीवन में आपकी सुख-दुख की संगिनी, और आपने उसे धोखा दिया। आपने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया।
अब इस बात का दुख को लेकर आप अपनी बाकी की जिंदगी को क्या बिताएंगे? मुझसे पूछिए तो आपकी बाकी की जिंदगी व्यर्थ है। इट्स यूजलेस एंड यू आर फिनिश्ड। अपने ही बच्चे का गला घोंट कर आप अपना जन्मदिन मनाने जा रही हैं। आप औरत जात पर एक बदनुमा दाग है, सच कह रही थी आप। आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है जिसकी भरपाई तभी होगी जब आप अपने उस बच्चे से खुद जाकर माफी मांगे। आप समझ रही है ना? मिस्टर सोदी, एक कहावत है, एक बेगुनाह इंसान की हत्या पूरी इंसानियत की हत्या के बराबर है, और आपने तो एक पूरे परिवार को भूखा मारा है। जी जी जी, आपको अपनी गलती का एहसास भी है? आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ये गोली शायद कर सकती है। ये तो वैसी ही बात हुई कि डूबते हुए इंसान के हाथों में पत्थर को पकड़ा देना ताकि वो जल्दी से डूब जाए। डॉक्टर सूर्यवंशी के पांचों शिकार ऐसी जगह जाते हैं जहां उन्हें मरता कोई ना देख सके, और उनके बेचैन दिमाग में डॉक्टर सूर्यवंशी के तानों की आवाज गूंजती रही। इसीलिए उन सभी मरने वालों ने मरने से पहले डॉक्टर सूर्यवंशी को रोते रोते फोन किया। आप सही थे सर। डॉक्टर सूर्यवंशी, यू आर ए किलर, कोल्ड ब्लडेड किलर। देरी अच्छी है आपकी अवत रमणी जी। अब कृपया ये भी बता दीजिए कि आपकी ये जो मनगढ़ंत थ्योरी है, इसमें 1 जनवरी 2013 जो दिनांक है उसका क्या वर्णन है? बहुत शीघ्र सर, अभी अभी मिस्टर सोडी, मिस्टर मारवा और मिसेस कालरा के घर से हमें फोन आए थे कि किसी ने उनके वकीलों के घर ये लेटर्स भेजे टू द कोर्ट। ये तो वसीयतें हैं उन तीनों मरने वालों की। सर, बदली हुई वसीयत जिसमें इन तीनों ने अपनी वसीयत किसी दूसरे के नाम कर दी है। किसके? डॉक्टर सूर्यवंशी के। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। डॉक्टर सूर्यवंशी के नाम? और ये पैसा कब ट्रांसफर होने वाला था? इन वसीयतों में डेट मेंशन है सर। एक जनवरी 2013। ओ माय गॉड। अब आपका पूरा रचा हुआ खेल समझ में आ गया कि किस तरह से इन्होंने अपने मरीजों को विक्टिम बनाकर उनकी जायदाद, उनका पैसा अपने नाम कर लिया। हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर सूर्यवंशी। वाह, क्या खेल खेला है। क्या आपने अपने विक्टिम्स का माइंड वॉश किया और उनको हिप्नोटाइज किया कि वो अपनी जान ले और अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दे। वाह। कहिए मिस्टर पाठक, आपको मर्डर का मोटिव समझ आया? पैसा और जायदाद। 1 जनवरी 2013 को क्या होने वाला था? अरबपति बनने वाले थे। कहिए, अभी भी आपको इस केस पे संदेह है? यदि आपको संदेह है तो मुझे आपके संदेह होने पर संदेह है। तो पहली जनवरी 2013 के उन वसीयतों के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं था? अगर पता होता तो आपको पहले नहीं बता देता। आप वाकई में मेरी बहुत चिंता करते हैं। मेरा भी फर्ज बनता है आपके दर्द को दूर करने का।
कम ऑन डॉक्टर साहब, किस दर्द की बात कर रहे हैं? पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक, और पिता तो भगवान का रूप होता है। But don't you worry, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक, और पिता तो भगवान का रूप होता है। पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक। केडी, मैं जाती हूँ। I'm sorry, I forgot। ये पार्सल आया था तुम्हारे लिए सूर्यवंशी डॉक्टर के क्लिनिक से। गुड नाइट। गुड नाइट। इससे तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मुझे कौन सी तकलीफ हो सकती है? पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक, और पिता तो पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक। पिता का और पिता तो भगवान का रूप होता है। पिता तो भगवान का रूप होता है। मैं सब ठीक कर दूंगा। आपके जाने का समय हो गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।